बिहार और असम में बाढ़ का तांडव लगातार जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में बिहार में जहां बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं असम में 11 लोग काल के गाल में समा गए। बिहार में बाढ़ से अब तक 92 लोग, तो वहीं असम में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाढ़ पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का ऐलान किया है। हर पीड़ित परिवार को राज्य सरकार 6,000 रुपए देगी, जो सीधे उनके खाते में जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों को एक प्रतिनिधिमंडल को बाढ़ राहत के लिए केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है।